सहारा इंडिया परिवार के 47 वर्ष की यात्रा पूरी होने पर सहारा ग्रुप के सीनियर एडवाइज़र अनिल विक्रम सिंह ने कहा कि ये यात्रा हमेशा याद रहेगी, क्योंकि आज हमारे बीच में हमारे अभिभावक सहारा शी नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमेशा लोगों के बीच में जिंदा रहेंगी। और यही वजह है कि सहारा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पहचान और एक एहसास है, जिसको लेकर वो भावुक भी हो गए। संस्था के स्थापना के इस गौरवपूर्ण अवसर पर बड़े ही हर्ष और बड़े ही गर्व का दिन है कि हम आज अपने स्थापना दिवस को मना रहे हैं। यद्यपि इसके संस्थापक, इसके प्रेरणा स्रोत जो भी कहिए उनको, हमारे आदरणीय सहारा सी जी जो फिजिकल तरीके से हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से और उनकी उपस्थिति को दिन रात 24 घंटे हम महसूस करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वो हमारे प्रेरणा स्रोत बने रहें, हमको रास्ता दिखाते रहें, बताते रहें, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। उनके प्रति आज उनके बारे में इतना कहने का मौका तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता है, अच्छी बातों को याद करके, उनकी शिक्षाओं को याद करके हम उनको बहुत बहुत नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उन्होंने एक ऐसी चीज, एक ऐसा परिवार स्थापित किया जो इसके पीछे की संघर्ष, इसके पीछे की उनकी कोशिशें लोगों ने पढ़ी होंगी, देखी होंगी, सुनी होंगी। हम तो इसके साक्षात रहे हैं, गवाह रहे हैं कि किन किन परिस्थितियों में कैसे गुजरते हुए उन्होंने इस चीज़ को लिया के, जो कि असंभव सी चीज़ है, को खड़ा किया। हम उनको आज इस अवसर पर, अपने स्थापना दिवस के अवसर पर जरूर उनको याद करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए जो हम लोगों की एक सोच है उसको हम आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहते हैं। स्थापना दिवस 1 फरवरी 2024। साथीगण, आज अपने गौरवशाली विशाल सहारा इंडिया परिवार का 47वां स्थापना दिवस है। स्थापना किसी भी संरचना की नींव होती है। हमारे दिलों पर राज करने वाले पूजनीय शास्त्री जी ने हमारी मातृरूपी संस्था सहारा इंडिया परिवार की नींव 1978 में रखकर इसकी स्थापना की थी। आज के स्थापना दिवस पर हमारे हृदय भरे हुए हैं, मन में भावनाओं का ज्वार है। हम अपने परम श्रद्धेय अभिभावक सरासी जी की स्मृतियों से में डूबे हुए हैं। आज हम उनके विराट व्यक्तित्व का स्मरण कर रहे हैं, उनके द्वारा स्थापित अपने सहारा इंडिया परिवार की समृद्ध परम्परा का स्मरण कर रहे हैं। 1 फरवरी 1978 एक ऐतिहासिक दिन था, जब सहारा सी जी ने एक अपेक्षाकृत छोटे शहर गोरखपुर के व्यवसायिक पटल पर सहारा इंडिया परिवार का बीजारोपण किया। वह भी अंकुरित हुआ, तीव्र गति से पल्लवित, पुष्पित हुआ और देखते ही देखते विराट वृक्ष में बदल गया, जिसकी शाखाएं न केवल संपूर्ण भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में भी फैल गई। भारत के व्यवसाय जगत में सहारा इंडिया परिवार का उभार एक अनूठी परिघटना थी। इस परिवार के तीव्र प्रगति एवं लोगों को हैरत होती थी कि आखिर इस तरह की प्रगति कैसे संभव है। वस्तुतः इस प्रगति के पीछे था हमारे परम श्रद्धे सहारा सी जी का विराट व्यक्तित्व, उनका अप्रतिम विजन और सामूहिक भौतिकवाद का उनका व्यवसायिक दर्शन।
उन्होंने व्यक्ति और व्यवसाय के उत्थान के लिए नए विचारों का प्रतिपादन किया, व्यवसाय और व्यवहार को नई कार्य संस्कृति का विकास किया। हम जानते हैं कि सहारा जी ने सहारा इंडिया परिवार को व्यावसायिक संस्था के रूप में नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से सुसंगठित एक ऐसे विराट परिवार के रूप में स्थापित किया, जिसमें हम सभी कार्यकर्तागण भावनाओं के इस विशाल परिवार से जुड़े और इसके सदस्य बने। सहारा जी के मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी को अपने कार्यकर्ताओं की कार्य संस्कृति का अभिन्न अंग बनाया। हम सब ने कार्य व्यवहार की उनकी इस संस्कृति को अपनाया और यही संस्कृति सहारा इंडिया परिवार, उसके सदस्यों और निवेशकों को सहयोगियों के विकास का आधार बनी। सहारा जी की व्यवसायिक नीतियां हमारे भारतीय समाज के अनुकूल थीं। उसने समाज के हर वर्ग को लाभ मिला। इन नीतियों से मध्य वर्ग के लिए व्यवसाय और रोजगार के नए अवसरों का सृजन हुआ, तो समाज के निचले वर्ग को उन्होंने अपनी व्यवसाय की योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया। साथ ही कॉरपोरेट दायित्व के तहत उन्होंने जहां एक को निर्धन वर्ग और एक स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया, तो कई वर्षों तक वंचित वर्ग कन्याओं के सामूहिक विवाह के जैसे हितकारी आयोजन भी किए। जिस तरह से उनका व्यक्तित्व बहुमुखी था, उसी तरह से उनकी कार्य योजनाएं भी बहुमुखी रहीं। सहारा इंडिया परिवार का हर सदस्य जानता है कि हमारे मित्र, हमारे प्रिय सहारा सिंह जी उन विरले व्यक्तित्वों में से एक थे जिन्हें देश विदेश की बड़ी विभूतियों, राष्ट्राध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों आदि शीर्ष राजनेताओं ने सराहना मिली, और दूसरी ओर उद्योग जगत, फिल्म जगत और खेल जगत की शीर्ष हस्तियों ने उन्हें आदरतापूर्ण सम्मान दिया। वैसे व्यक्ति थे जिन्हें समाज के हर वर्ग में सम्मान प्राप्त हुआ। राष्ट्र, समाज और उद्योग के क्षेत्रों में उनके बहुमुखी योगदान के लिए उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रशंसितियाँ, पुरस्कार और मानक उपलब्धियाँ प्राप्त हुई। हमारे परम पूज्य सहारा सिंह जी के लिए अपने कर्तव्यों की कार्यकर्ताओं और सम्मानित निवेशकर्ताओं के हित की सर्वोपरि रहे, और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने इन्हीं के हितों के लिए सदैव संघर्ष किया। सहारा के सामने जो संकट खड़े हुए या खड़े किए गए वे दुखद थे, लेकिन हमारे अभिभावक जी ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इन संकटों का सामना किया। कभी भी हमारा हौसला टूटने नहीं दिया और हमें हर परिस्थिति में समुचित संरक्षण दिया। आज अपनी संस्था के 47वें स्थापना दिवस पर जब हम संस्था के संस्थापक, अपने मार्गदर्शक, अभिभावक और संरक्षक का स्मरण कर रहे हैं, तो हमारे मन भीग रहे हैं और उनकी जीवन उपस्थिति को हम महसूस कर रहे हैं। जैसे वह हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें बिना रुके बिना थके और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। हमारे अभिभावक सिर्फ एक इंसान ही नहीं थे, वरन अपने आप में एक संस्था थे। हम उनकी प्रति अपनी श्रद्धा और निष्ठा का अक्षपूर्ण रखते हुए पूरे समर्पण भाव से सदैव स्थापना दिवस मनाते रहेंगे। आज के इस पावन अवसर पर हम परम श्रद्धेय सदाश्री जी हमारे साथ भौतिक रूप से नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियाँ का मन से आत्मसात करते हुए हम सभी संकल्प लेते हैं कि अपने वंदनीय अभिभावक और द्वारा दिखाए गए मार्ग एवं सोच का अनुसरण करते हुए सहारा इंडिया परिवार के पूरे
के पूरे समर्पण के साथ पुनः नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करेंगे। जय सहारा, सहारा प्रणाम। हम सब सहारा इंडिया परिवार के समर्पित कार्यकर्ता का सहारा प्रणाम करते हैं, कार्य करके आगे बढ़ते रहें। हमारे सोच में सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए ही है। और आगे क्या कहें, सभी को आज के दिवस की बहुत 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 ही शुभकामनाएं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। करते हैं कार्य करके आगे बढ़ते रहें। हमारे सोच में सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए ही है। और आगे क्या कहें, सभी को आज के दिवस की बहुत 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 ही शुभकामनाएं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। साथ में